गांधी विद्यालय की आधा दर्जन से अधिक छात्राएं बीमार हो गई। 3 छात्राओं की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में उन्हें खाने के लिए बासा भोजन दिया जाता है। देखिए मामी खान की रिपोर्ट। महोबा में ऑफिसर कॉलोनी के पीछे बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की आधा दर्जन से अधिक छात्राएं बीती रात अचानक बीमार पड़ गईं। आरोप है कि छात्राओं की तबीयत विद्यालय में बने बासी और विषाक्त भोजन को खाने की वजह से हुई। 3 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। छात्राओं की माने तो उन्हें बासी खाना दिया जाता है। सर थोड़ी थोड़ी जी मचला रहा था और पेट दर्द दे रहा था। क्या खाया था आपने? दोपहर की बासी पूरी। अच्छा, और बच्चों को दर्द हुआ था पेट में? नहीं, हम 3 लोग। आप 3 लोग जी? कितने बजे खाया था खाना आपने? 9:30 बजे। फिर क्या हुआ? लेटे यहाँ पे? लेटे नहीं, पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से उल्टी होने लगी। मिलता है सर, आज ही हुआ है, रोज मिलता है। पेट दर्द देने लगा रहा था, जी मचला रहा था। कैसे, क्यों मचला रहा था? खाना खाने के बाद। क्या खाया था आपने? पूरी सब्जी। क्या हुआ फिर खाना खाने का, क्या हुआ? थोड़ी देर लेट रहे, फिर अपने आप दर्द देने लगा था। मैम जी और पुलिस वाले भी गए थे। खाना शाम को खाया था 8:30 बजे, तो एकदम से पेट में दर्द होने लगा, तो पूरी खाई थी। कितने बजे हुआ था ये? सर 9 बजे खाना खाया था। और दर्द कितने बजे हुआ था बेटा? 9 बजे। आवासीय विद्यालय में ड्यूटी कर रही कांस्टेबल कविता बताती हैं कि बच्चों को बासी खाना दिया गया, जिससे बच्चे बीमार हो गए थे। बच्चे दर्द से कराह रहे थे, वार्डन नहीं सुन रही थी। ऐसे में उन्होंने ही अपने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया था। पुलिस ने ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। इनकी माने तो इसमें वार्डन शालिनी की लापरवाही है। अरे बच्चों को कुछ बासी खाना वाना खिला दिया था तो वो बीमार हो गए थे सारे बच्चे। वार्डन उनको कोई सुन नहीं रहा था, तो फिर थाने में सूचना दी गई, कप्तान साहब को दी गई, तो फिर बच्चों को लेकर आए सारी टीम मिलके। छात्राएं तो काफी थी, लेकिन जब आते आते 3 रह गई जो काफी ज्यादा सीरियस थी, अभी तक एडमिट है वो कल रात से। कितनी छात्राएं? छात्राएं तो 3 ही आई थी टोटल। बीमार कितनी? बीमार तो करीब ज्यादा थी, किसी के पेट में दर्द था, किसी को उल्टी हो रही थी, लेकिन ज्यादा सीरियस थी नहीं थी। हाँ, समथिंग एक दर्जन तो नहीं, लेकिन समथिंग पेट वेट में दर्द हल्का फुल्का सबके हो रहा था। जब मीडिया कर्मी कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया, ताकि मीडिया विद्यालय में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को उजागर ना कर सके। जबकि इस मामले को लेकर वार्डन शालिनी पटवा का कहना है कि बच्चे कमजोर हैं, इसीलिए बीमार हो गए। उन्होंने बासी खाना दिए जाने के आरोप को गलत बताया है। उनकी माने तो खाने की गुणवत्ता सही थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये बच्चे थोड़े कमजोर है सर, कोई भी चीज ऐसी खा ले, अगर कुछ ज्यादा ऐसे कोई और दिक्कत होती सर तो सभी बच्चे बीमार होते। ये बच्चे थोड़े कमजोर है सर, आज दिन कई बार इनको ऐसा होता है कि 2-3 दिन रहते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। हम यानी गार्जियन भी आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, तो जैसे इनको कोई भी चीज नुकसान जल्दी कर जाती है, उसी के कारण सर प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता सर तो सभी बच्चे बीमार पड़ते। बच्चे आरोप लगा रहे बासी खाना खाए, दोपहर पूरी खाई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा नहीं होता सर कि बासा खाना दिया जाता है, ताजे खाना दिया जाता है बच्चों को। अगर सही पाई जाती है, सही नहीं पाई जाती है? नहीं सर, दोनों टाइम जब ताजा दिया जाएगा सर, तो आप बताइए कैसे गुणवत्ता हो पाई? कभी नहीं सर बच्चों को दिया जाता इस तरह खाना। और अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती भोजन में सर, तो आप बताइए सभी बच्चे बीमार होते? नहीं सर, बीमार नहीं पे उनको दवाई हम देते हैं सर, जो दवाई ऐसी रहती है, लेकिन ये बच्चे थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी थोड़े कमजोर है सर। और बच्चे बीमार हुए थे क्या साथ में? नहीं सर, ऐसे कोई बच्चे ऐसे बीमार नहीं हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम था तो दवाई देते तो ठीक हुआ, दवाई रखे रहते हैं कुछ। मामले की सूचना मिलते ही BSA अमित कुमार भी मौके पर पहुंच गए और बच्चों का हालचाल लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर BSA अमित कुमार का कहना है कि 3 बच्चे बीमार हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल रात को 3 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, पेट दर्द का मामला था जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और कुछ खाने से समस्या हुई है, और इन बच्चों की तबीयत अब सही है, एकदम सही है। और लेकिन जो भी इस कृत्य में लापरवाही बरता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम गए थे रात को, गए थे 11:30 बजे, आधा घंटा मैंने रुका और बच्चियों की हालत देखा और सब बच्चियाँ ठीक है। नहीं, गुणवत्ता सही है, जैसा आपके द्वारा ही बताया जा रहा है, पहली बार हुआ है, तो चेक कर रहे हैं, जाँच करेंगे, जाँच करने के बाद जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।